नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो बाय टीजे पर। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं प्रे करती हूँ डिवाइन फेमिनिन से, माँ दुर्गा से, कि आप लोगों के जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, भले ही आपकी जॉब से रिलेटेड हों या आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हों, वो सब दूर हो जाएं। आपके जो भी दुख तकलीफ़ें हैं वो सब दूर हो जाएं। तो हिंदी में ये एक पिकअप आयल रीडिंग मैं लेकर आई हूँ गाइज, आप लोगों के लिए। माँ की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, क्या किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ें हैं, बेसिकली क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए, डिवाइन मैसेजेस। पाइल नंबर 1 में है श्री राधा, पाइल नंबर 2 में माँ सरस्वती, और पाइल नंबर 3 में माँ दुर्गा। टाइम स्टैम्प्स गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक, शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। पाइल नंबर 1, जिन्होंने राधे माँ का कार्ड सिलेक्ट किया है, माँ राधा, श्री राधा का कार्ड सिलेक्ट किया है, ठीक, पहली ब्लेसिंग जो आपके लिए है, फेथ इन द पावर ऑफ लव, एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वन्स बिलवड, increased devotion and attainment of divine love, liberation from the pains of thwarted love. तो जिन लोगों का दिल टूटा हुआ है, जो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, या अपने शादी को लेकर स्पेसिफिकली, या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, जिनको भी आप प्यार करते हैं, या किसी भी रिश्ते से, किसी भी प्यार से जुड़े, दिल से जुड़े रिश्ते से अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ मिल रही है, तो वो आपकी प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली ख़त्म होगी माँ के आशीर्वाद से। माँ पार्वती, क्वीन ऑफ एस्थेटिक्स, डिफीट ऑफ एनिमीज, दुश्मनों का नाश, विक्ट्री ओवर ऑब्स्टिकल्स, आपके काम में हो या आपके जनरली आपकी लाइफ में जो भी हर्डल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो सब खत्म होंगे, आप उनको ओवरकम कर पाएंगे। स्ट्रेंथ इन एस्थेटिसिज्म, यूनियन विद अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड होंगे, ये आशीर्वाद आपको मिल रहा है माँ पार्वती की तरफ से। भद्रकाली, माँ भद्रकाली, गॉडेस ऑफ डार्कनेस, वर्ल्डली पावर, वर्ल्डली पावर, अर्थली इंजॉयमेंट, फियरलेसनेस इन बैटल, एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्चूज। अगर आप किसी भी तरीके से दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने काम में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहते हैं कि लोग आपको आपके नाम से जाने, आपके काम से जाने, तो ये आशीर्वाद आपको मिल रहा है पाइल नंबर 1 माँ भद्रकाली की तरफ से, कि आप अपने काम से जाने जाएंगे, आपका नाम लोग पहचानेंगे। अर्थली इंजॉयमेंट, जो भी लग्जरीज होती हैं लाइफ की, वो सब आपको मिलेंगी। फियरलेसनेस इन बैटल, बैटल एज इन, अब हम लोग युद्ध लड़ने तो जाते नहीं हैं आजकल के टाइम में, लेकिन जो भी हमारी डेली की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली के जो स्ट्रगल्स होते हैं, उसका सामना आप बिना किसी डर के कर पाएंगे। एक्सेस टू फेमिनिन पावर्स एंड वर्चूज, अपनी फेमिनिन साइड को, अपने इमोशनल साइड को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। माँ गंगा, गॉडेस ऑफ हेवनली एम्ब्रोजिया, माँ गंगा, प्योरिफिकेशन फ्रॉम सिन, पापों से छुटकारा, पैसिफिकेशन ऑफ वर्ल्डली डिजायर्स, लिबरेशन एट द टाइम ऑफ डेथ, रेमेडी फॉर फिजिकल डिजीज। जिनको भी अगर आपकी तबीयत खराब है इस वक्त, या आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी आपकी तबीयत भी अच्छी हो जाएगी, आप बहुत बेहतर फील करेंगे, एंड मोक्ष की प्राप्ति है ये, एक तरीके से अवेकनिंग है ये, ये एक तरीके की विजडम आपको मिल रही है आशीर्वाद के रूप में, कि आप समझ पाएं
कि दरअसल लाइफ में, एक्चुअल में लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, रिश्ते मैटर करते हैं, प्यार मैटर करता है, और इन सब चीज़ों में अपनी नीड और डिज़ायर में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। माँ गंगा, वृंदा देवी, गॉडेस ऑफ डिवोशन, गॉडेस ऑफ डिवोशन, रेजिडेंस इन अ होली प्लेस, आपके घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा, बहुत खुशियाँ बनी रहेंगी, प्रॉक्सिमिटी टू नेचुरल ब्यूटी, आप अंदर से ग्लो करेंगे और आप नेचर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, डिवोशन टू कृष्णा और विष्णु, आप में से कुछ लोग कृष्ण जी और भगवान विष्णु के भक्त हो सकते हैं, फिजिकल हेल्थ एंड वेल बीइंग आपको मिलेगी, आपकी जो भी तबीयत ख़राब है, अगर अगेन जो लोग फिजिकल पेन से गुजर रहे हैं, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा डेफिनेटली। पाइल नंबर 1 माँ की तरफ से आपके लिए आशीर्वाद है। एंड सीता देवी, क्वीन ऑफ चेस्टिटी, माँ सीता, फिडेलिटी इन लव, आपके जो पार्टनर होंगे आपके साथ लॉयल रहेंगे, डिवोशन टू ट्रूथ, सच्चाई की तरफ आपका झुकाव बना रहेगा, आप सच सुनना पसंद करेंगे, सच बोलना पसंद करेंगे, पेनेंस एंड टॉलरेंस, पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ, अपने आप को आप बेहतर और बेहतर बनाते चले जाएंगे, अपने हाईएस्ट सेल्फ की तरफ आप बढ़ते चले जाएंगे, आप स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिकली भी आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं, बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं नियर फ्यूचर में, आने वाले वक्त में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। पाइल नंबर 1, बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स माँ आपको दे रही हैं इस रीडिंग के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू। कुछ कार्ड्स मैं और निकाल लेती हूँ। डिवाइन फेमिनिन, जो डिवाइन फेमिनिन पावर है, प्राइमल सोर्स ऑफ एनर्जी हर सेल्फ, जो खुद शक्ति है, माँ शक्ति आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रही हैं। सेक्रेट स्पेस, बॉडीज ऑफ वाटर, बास्ट इंडिपेंडेंट एंड लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी भी आ गई हैं। आपका काम बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत आप तरक्की करने वाले हैं, बहुत खुश रहने वाले हैं। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, आपके लिए मैसेज है ये पाइल नंबर 1। अगर आप किसी चीज़ की चिंता कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए, बहुत सारी आपको ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं और आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब धीरे 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 करके सब सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेनी है। ब्राइट फ्यूचर, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। बास्ट इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस, आपकी जो इंडिपेंडेंस है, आपका जो एक इंडिपेंडेंट होने का, खुद से सोचने का जो आपका वर्च्यू है, वो आपको हेल्प करेगा आगे चल के सक्सीड होने में। जो भी चीज़, जिस भी चीज़ में आप सक्सेस पाना चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। नेमेटोना, सेक्रेड स्पेस, क्रिएट एन ऑल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन, अपने घर में मंदिर बनाइए या किसी मंदिर बनाइए, आप किसी भी रिलीजन के हैं, कोई ऑल्टर बनाइए, कोई एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पे आप जाके ध्यान लगा सकें, गॉड से बात कर सकें, उन पे उनसे आप कन्वर्सेट कर सकें, उनका थैंक्स कर सकें, ऐसी कोई जगह आप अपने घर में बनाइए, और ऐसी किसी जगह पर आप जाइए भी, ये भी आपके लिए गाइडिंग मैसेज है। विजिट अ पावरफुल प्लेस, अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन, तो गॉड आपको खुद बुला रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन, the source of energy and the energy herself, माँ शक्ति जो पूरी दुनिया को चलाती हैं, जिनकी वजह से मैं भी अभी इस वक्त इस आवाज़ के थ्रू आपसे बात कर पा रही हूँ, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है, वो आपको बुला रहे हैं, आइए मिलिए, आपकी जो भी विशेज हैं वो उनको बताइए, उनको थैंक्स कीजिए, जो भी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं थैंक्स कीजिए उन्हें। सुलिस, बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज अ लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज, एंड हमारे पास हैं माँ गंगा भी, तो मे बी आप हरिद्वार जा सकते हैं, ऋषिकेश जा सकते हैं, कहीं किसी ऐसी जगह पर मुझे लगता है कि आपको बुलावा आ रहा है। पाइल नंबर 1, जाइए
और पूजा करके आइए, वहाँ पे माँ से मिल के आइए, ये मैसेज है आपके लिए, पायल नंबर वन। आगे बढ़ते हैं पायल नंबर टू के लिए, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आई हैं। पायल नंबर टू, जिन्होंने माँ सरस्वती का कार्ड सिलेक्ट किया है, सक्सेस इन एजुकेशन, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, जो भी चीज़, जिस भी चीज़ की, अगर आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, तो आप सक्सीड होंगे उसमें। परफेक्शन ऑफ मेमोरी, जैसे पढ़ते वक्त हमको चीज़ें याद रखनी होती हैं, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी। इनहेंस इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा। मास्टरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो लोग म्यूजिक के फील्ड में हैं उनके लिए भी ये ब्लेसिंग है, पायल नंबर टू। भूमि, मदर अर्थ, माँ भूमि, फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। फर्टिलिटी, आई बिलीव, ठीक, अगर आप बहुत टाइम से फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोच रहे हैं और उसमें तकलीफें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप फैमिली प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ये ब्लेसिंग हो सकती है। आप फर्टाइल हो सकते हैं, आप कंसीव कर पाएंगे, आप अपनी फैमिली को एक्सपैंड कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। प्रोफ्यूजन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, आई बिलीव के माँ आपसे कह रही हैं कि नेचर से और जुड़िए, नेचर से और कनेक्ट कीजिए। माँ लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, पायल नंबर टू। इम्प्रूव्ड सोशल स्टेटस, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका ओहदा बढ़ेगा लोगों के सामने, सोसाइटी में। इंक्रीज्ड वेल्थ एंड लग्जरीज, आपके जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, अच्छे हैं तो और बेहतर हो जाएंगे। करियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट, अगर आप बहुत टाइम से प्रमोशन का वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप अपने काम में एफर्ट लगा रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था अगर बहुत टाइम से, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है, आपका प्रमोशन हो सकता है। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ, आपको एक बहुत अच्छे जीवन साथी भी मिलेंगे जो आपके साथ बहुत फेथफुल रहेंगे। माँ काली, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? प्योरिफिकेशन ऑफ द सटल फोर सेंटर्स, प्योरिफिकेशन ऑफ द सटल फोर सेंटर्स, यानी कि आपके चक्रास में जो बैलेंस है वो बनेगा। असेंशन ऑफ द डिवाइन कुंडलिनी एनर्जी, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जो स्पिरिचुअल पाथ में है, जो चक्र ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो रेकी करते हैं, उनके लिए ऐसा हो सकता है कि आप में कुंडलिनी राइजिंग हो, उसकी शुरुआत हो। हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट इन दिस वर्ल्ड, बहुत सारी खुशियां और बहुत सारी सेटिस्फैक्शन दिल से वो आपको मिलेगी। डिवाइन एक्सटेसी ऑफ द ट्रांसेंडेंटल रियलिटी, बहुत हद तक आप काफ़ी कुछ ऐसी बातें समझ पाएंगे जो हमारे शरीर से या शारीरिक दुनिया से परे हैं। मुझे लगता है ये मैसेज जो है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा, जिनका झुकाव है, तो आप बहुत कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं। माँ सुभद्रा, बिस्टोअर ऑफ डिवोशन, रिमूवल ऑफ इल्यूजन, किसी तरीके का कन्फ्यूजन है अगर आपको, वो दूर हो जाएगा, या कोई बातें अगर आपसे छुपी हुई हैं तो वो आपके सामने आ जाएंगी। अगर कोई आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई आपसे जलता है, कोई आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, वो सब खुल के आपके सामने आ जाएगा। वर्ल्डली पावर एंड ग्रेस, लोग आपका, अगेन लोग आपका नाम जानेंगे, आपके काम से आप पहचाने जाएंगे। ब्लेसिंग ऑफ डिवोशन टू कृष्णा, कुछ लोग हो सकते हैं जो भगवान कृष्ण जी के भक्त हों यहाँ पे, तो आपकी जो डिवोशन है कृष्ण जी की तरफ वो और बढ़ेगी। ओके, और क्या मैसेजेस हैं? डिवाइन फेमिनिन की तरफ से, माँ शक्ति की तरफ से, माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए? क्वान यिन, कंपैशन,
my way, circle, cycles and rhythms. Saraswati. Okay, Ma Saraswati, do bar. Express yourself through creative activities. अपने आप को क्रिएटिव एक्टिविटीज के थ्रू, क्रिएटिविटी के थ्रू एक्सप्रेस कीजिए. हो सकता है कि इसमें कोई छुपा हुआ कोई मैसेज हो आपके लिए. ओके, क्वान यिन, कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स. अगर आप लोगों को जज करते हैं तो ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, किसी भी रिश्ते में नहीं करना है. आप किसी को जानते हैं नहीं जानते हैं, आप किसी को जज मत कीजिए, आप खुद को भी जज मत कीजिए. एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट, सिर्फ प्यार पर और डिवाइन पावर पर, एनर्जी पर भरोसा रखिए. दैट इज विद इन एवरी वन, वो शक्ति वो पावर जो हर किसी के अंदर है, जो हमको जिंदा रखती है, जो हमको चलाती है, और हमारे आसपास की जो भी जीवित चीजें हैं, पेड़ पौधे जानवर, आसपास के लोग, जो भी जीवित चीजें हैं जो उस एनर्जी से रन होते हैं, उस एनर्जी से चलते हैं, उससे जुड़िए, उस एनर्जी से जुड़िए, उस माँ से जुड़िए जो आपको संभालती है, आपको जिंदा रखती है, आपको चलाती है. माई वे, साइकिल्स एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल्स ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल्स एंड इमोशंस. एक फेमिनिन या एक फीमेल के जीवन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, लाइफ टाइम आते रहते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं. अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट कीजिए, अपने इमोशंस की रिस्पेक्ट कीजिए. कभी भी अपने टुवर्ड्स डिसरिस्पेक्टफुल मत होइए या अपने टुवर्ड्स हार्श मत होइए. कंपैशन रखना है आपको दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी. ये मैसेजेस हैं आपके लिए और बहुत सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं. पाइल नंबर 2, माँ सरस्वती का कार्ड आपके लिए 2 बार आया है. वाओ वाओ, गॉडेस ऑफ लर्निंग. बहुत कुछ इस नियर फ्यूचर में, काफ़ी कुछ आप सीखने वाले हैं. और दुनिया को देखने का जो आपका नज़रिया है, या अपने लाइफ को समझने का जो आपका पर्सपेक्टिव है, वो सब बदलने वाला है, कम्प्लीटली बदलने वाला है. बहुत सारे डिवाइन एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं. व्हाट अ गुड न्यूज़. पाइल नंबर 3 के लिए देख लेते हैं क्या है. पाइल नंबर 3, जिन्होंने माँ दुर्गा का कार्ड सिलेक्ट किया है, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी, पर्सनल एम्पावरमेंट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस, सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस. अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर, तो वो सारी नेगेटिविटी आपके दिमाग से हटने वाली है. बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा लाइट से आप भर जाने वाले हैं. पर्सनल एम्पावरमेंट, एक नई एनर्जी जो है वो आपको फील होगी. ये ब्लेसिंग है माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए. यमुना देवी, गॉडेस ऑफ प्योरिफिकेशन, सेल्फ प्योरिफिकेशन, जॉय ऑफ डिवाइन प्लेफुलनेस, अब्सॉर्प्शन इन स्पिरिचुअल ट्रूथ, अटैचमेंट टू गॉड्स पर्सनल फॉर्म. सेल्फ प्योरिफिकेशन आप एक्सपीरियंस करेंगे, जॉय ऑफ डिवाइन प्लेफुलनेस, अब्सॉर्प्शन इन स्पिरिचुअल ट्रूथ. स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका या तो जर्नी जो है आपकी वो शुरू होने वाली है, या अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव है, आप और चीज़ें जानना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा आप सीखने वाले हैं, काफ़ी कुछ आप अब्सॉर्ब करने वाले हैं, काफ़ी कुछ आप सीखने वाले हैं. गॉड से एक आपका अलग ही अटैचमेंट बन जाएगा, एक अलग ही कनेक्शन बन जाएगा आपका डिवाइन पावर से. ओ गॉड वाओ. अर्धनारेश्वर, द डिवाइन एंड्रोजन, अर्धनारेश्वर, फेलिसिटी इन मैरिड लाइफ. जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, उनकी शादी में बहुत सारी खुशियां बनी रहेंगी, हैप्पीनेस बनी रहेगी. एंड अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज हो सकती है जल्दी, और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है. रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी. अगेन, जो लोग मेडिटेशन करते हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जिनका झुकाव है, आप ये इस तरीके का एक चेंज आप फील करेंगे अपनी एनर्जी लेवल्स में.
चक्रा हीलिंग में, ओके, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस, आपको बहुत जल्दी ये चीज़ रियलाइज होने वाली है और बहुत जल्दी आप ये चीज़ समझने वाले हैं कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं सब एक हैं, हम सब एक हैं, भले ही हम एक दूसरे को ना जानते हों, भले ही हम कई किलोमीटर, कई सौ किलोमीटर, कई हज़ार किलोमीटर दूर रहते हों, लेकिन हम सब एक हैं। मैं भी दिल से ये मानती हूँ कि आप लोग जो हैं मेरे सोल ब्रदर्स हैं, मेरे सोल सिस्टर्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, सब मेरी फैमिली हैं। हम दिल से आपको बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ। पाइल नंबर थ्री, जो भी लोग इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप कहाँ से ये रीडिंग देख रहे हैं, आप कहाँ से भी कनेक्टेड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पर आने के लिए। एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं माँ की तरफ से। बहुत ही अच्छा वक्त ये चल रहा है, नवरात्रि चल रही है, आज पहला नवरात्रा है। एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट्स और फोर्सेस, अगर कोई आपसे आपको अपोज करता है, आपके आइडियाज़ को अपोज करता है, या आप किसी से कुछ कहते हैं और सामने वाला पर्सन आपकी बात को डिनाई कर देता है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी आप शांति बनाए रखेंगे। ओके, और एक बहुत ज़्यादा मैच्योर और समझदार इंसान, एक समझदार सोल ही ऐसा कर सकती है। गायत्री देवी, मदर ऑफ डिवोशन, मदर ऑफ डिवोशन, भक्ति, पीस ऑफ माइंड आपको मिलने वाला है, बहुत शांति आपको मिलने वाली है। स्पिरिचुअल नॉलेज, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ने वाली है, आपकी सोल को कुछ लेसन मिलने वाला है, आप कुछ बहुत अच्छा कुछ सीखने वाले हैं। ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान लगा पाएंगे आप। एबिलिटी टू प्लीज ऑल ऑफ द गॉड, सारे के सारे जितनी भी पावर्स हैं यूनिवर्स में, उनको आप खुश कर पाएंगे, उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, एक नया ही कनेक्शन, एक नया ही रिश्ता आपका बनने वाला है गॉड के साथ। चीज़ें काफ़ी कुछ, बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं, बहुत नए नए चेंजेस आने वाले हैं आपकी जनरल लाइफ में भी, और आपकी स्पिरिट से रिलेटेड भी, आपके सोल से रिलेटेड भी आप काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। पाइल नंबर थ्री, मोहिनी मूर्ति, द डिवाइन एनचांट्रेस, टेस्ट ऑफ द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, एबिलिटी टू नॉट बी ओवरकम बाय सेक्सुअल गाइल, परसेप्शन टू सी थ्रू ट्रिक्सटर्स एंड चीट्स। अगर कोई आपको, अगेन, कोई आपके रास्ते में प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है, कोई आपको चीट करने वाला है, कोई आपके साथ कोई ट्रिक्स प्ले करने वाला है, तो आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप उन लोगों को समझ जाएंगे ऑलरेडी कि कहाँ से आपको धोखा मिल सकता है, कहाँ से आपको कोई बिट्रे कर सकता है। नॉलेज ऑफ व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, आप समझ पाएंगे कि कब किसको आपको वैल्यू देनी है। हर इंसान या हर एक व्यक्ति जो है वो बहुत अच्छी एनर्जी लेके आपके पास नहीं आता है। आप भले ही किसी के लिए बुरा ना सोचें, लेकिन लोग कई बार ऐसा करते हैं, भले ही जलन से करें या कंपटीशन हो या कुछ भी हो, हर इंसान जो है आपका अच्छा बिहेवियर भी डिजर्व नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत तरीके से बिहेव करें, आप न्यूट्रल रहिए। नॉलेज ऑफ व्हेन इट इज़ अप्रोप्रिएट टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, आप समझ पाएंगे कि कौन असल में वो इंसान है जो आपके साथ ट्रिक्स नहीं कर रहा है, कौन जेन्युइन पर्सन है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। पाइल नंबर थ्री, ओके, डिवाइन फेमिनिन की तरफ से, माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। पहले, डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट्स इन योर हार्ट्स ट्रू डिजायर, आपको खुद से सच बोलना है, आप सच में दिल से आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या पाना चाहते हैं। एक्सेल सेदना, एक्सेल मेडिसिन वुमेन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर, आप में वो एनर्जी है, आप में वो हीलिंग टच है या वो हीलिंग ऑरा है आपका, कि लोग जब भी आपसे जुड़ते हैं तो पॉजिटिविटी ही लेकर जाते हैं।
एंड आई बिलीव अगर आप अपनी इस पावर पर काम करें तो आप बहुत भला कर सकते हैं लोगों का. सेडना, इनफाइनाइट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल फॉर योर टुमारोज. आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, आज और कल के लिए आपके पास भरपूर रहेगा. यू नो, अबंडेंस रहेगी आपके पास हर चीज़ की. हाउ ब्यूटिफुल. ताल नंबर 3, डिवाइन फेमिनिन की तरफ से इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस और इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं. अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा. कुछ टाइम के लिए मैंने कमेंट सेक्शन बंद किया है क्योंकि बहुत सारे स्पैम कमेंट्स आ रहे थे, सो मुझे करना पड़ा. अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है. पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. एंड एक बार फिर से हैप्पी नवरात्रि, नमस्ते एंड टेक केयर.